नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस YouTube सेशन में। आज के इस सेशन में हम फेस मसाज टेक्निक डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने नेक के अराउंड होने वाले रिंकल्स को और फाइन लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे हमें अपनी बॉडी को टोन करने के लिए, अपने वेट को घटाने के लिए अपनी बॉडी मसल्स पे काम करना पड़ता है, सिमिलरली हमारे फेस पर भी, नेक के अराउंड, हमारे पूरे फेस के अराउंड, हमारे स्कैल्प के अराउंड कुल मिला के 57 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं। तो अगर हम इन मसल्स को टारगेटेड तरीके से फेस योगा के थ्रू एक्सरसाइज करें और मसाज करें, तो यकीनन हम अपने फेस पे से एजिंग साइंस को हटा पाएंगे और हमारी फेस की मसल्स एकदम टोन्ड हो जाएंगी और एकदम ब्यूटीफुल यूथफुल फेस हम अचीव कर पाएंगे। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी है, ना कि फिलर और बोटॉक्स का यूज़ करना है, क्योंकि वो जो टेक्निक है वो टेम्परेरी होती हैं और कुछ टाइम तक उनका इफेक्ट रहता है। उसके बाद फिर आपको दोबारा से प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी पेनफुल है, कॉस्टली है। तो अगर आप फेस योगा करेंगे तो आपको ना तो कोई कॉस्ट पे करना है और आप सिमिलर रिजल्ट्स हैं कंसिस्टेंटली, अगर आप रोज़ रूटीन में फेस योगा करते हैं तो उससे के बराबर या उससे बेहतर रिजल्ट एक होलिस्टिक वे में अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज की पहली फेस मसाज टेक्निक है, जो कि हम अपने नेक मसाज टेक्निक है, वो शुरू करते हैं। वो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल है वो एक ले लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें हैं वो ले रही हूँ अपने फेस नेक के अराउंड लगाने के लिए। तो ये मैंने कुछ बूंदें कोकोनट ऑयल की ऐसे ले ली और इस कोकोनट ऑयल को मैं अपने दोनों पाम्स के बीच में रब करते हुए नेक एरिया के अराउंड ऐसे अच्छे से रब कर लूँगी, लगा लूँगी। तो ये ऐसे, ताकि जो ग्लाइडिंग है, मूवमेंट है, मेरे हैंड्स का मूवमेंट है, वो जो है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने नेक के अराउंड जो भी टेंशन है मसल्स में, वो टेंशन रिलीज करने के लिए टेक्निक नंबर वन जो है वो है कि हम टेंशन को रिलीज करने के लिए ऊपर लेके जाएं और थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। सेंटर में आ जाएं, फिर वापस जाएं। एक्सहेल करते हुए नीचे आए, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं। सिमिलरली आपको अपने यहाँ लेफ्ट जाना है, लेफ्ट राइट जाना है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है वो क्या करना है आपको, आपको ऐसे ऐसे थोड़ा सा टैपिंग करनी है अपने नेक के अराउंड। तो ऐसे ये नकल बना लेना है ऐसे और टैपिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, आपको ऐसे ही इसी तरह से ऐसे ग्लाइड करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे अपने मसाज करें। फिर हाथों को रब करके पाम को ऐसे रब करेंगे ऐसे, ये Thank you.
क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ हाथ को रखते हुए प्लेस करते हुए ऐसे यहाँ लेके जाएंगे, सिमिलरली दूसरे हाथ को दूसरी तरफ भी। ऐसे बनाएंगे और ऐसे प्लेस करेंगे यहाँ पे, ये इस एरिया पे, और फिर ऐसे ये मसाज अगर आप हफ्ते में एक या दो बार कर लेंगे तो इससे आपकी नेक मसल्स जो हैं वो एकदम टाइट हो जाएंगी और रिंकल्स गायब हो जाएंगी, और आपको पार्लर में जाके किसी फेशियल को कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो आपके वो जो 1000-2000 फेशियल में भी पैसा लगाते हैं वो पैसा भी आपका बचेगा। नेक्स्ट स्टेप है, आपको ये अपने थम्स लेने हैं और थम्स की हेल्प से ऐसे स्टेप आपको परफॉर्म करना है। अब ऐसे करने से आपका ये जो डबल चिन वाला एरिया है ये ठीक हो जाएगा। ये मसाज के स्टेप्स हैं, आप हफ्ते में दो या तीन बार, एक बार, जितना भी आपको टाइम लगे, जितना ज़्यादा रेगुलरली आप करेंगे तो आपकी गर्दन की जो शेप है एकदम सुराहीदार गर्दन बन जाएगी, और गर्दन के अराउंड जितनी भी फाइन लाइन्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी जो एज है वो, क्योंकि आपकी गर्दन से भी रिफ्लेक्ट होती है, तो इस मसाज को करने से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक तो ये एंटी एजिंग मसाज है, दूसरा आपकी नेक मसल्स को ये रिलैक्स करेगी, और साथ साथ आपको कभी भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स का, जैसे बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा कभी नहीं लेना पड़ेगा अपने फेस को यूथफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो आप, उम्मीद है आज की मसाज टेक्निक जो कि गर्दन के लिए मैंने, नेक के लिए मैंने बताई है, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सके और अपने फेस को एजलेस बना सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, तब तक अपनी सेहत पर काम करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।